बोल। आगे से छेड़ोगे सामान, छेड़ोगे आगे से सामान। जय श्री राम, जय श्री राम। चला ये टक्कू तुम चला लो, बेलन तुम चला लो, ये हमेशा तुम चला लो। हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज के नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हमारे ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। और ब्लॉग तो भाई अभी बन रहा है आपका 2 बजे से, दिन के 2 बज चुके हैं और काफ़ी दिन बाद मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि काम की व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। और अगर मिलता तो माइंड में जो चीज़ें होती वो बिल्कुल अलग तरह से रहती हैं, कुछ डिस्टर्बेंस रहता है, इसकी वजह से बना ही नहीं पाई। तो अभी हम हैं घर पे, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं चीकू के साथ। देखिए चीकू आ चुका है स्कूल से, वैसे तो पहले ही आ गया, तो मैं मार्केट गया था बाहर काम से और साइड पे देखने के लिए गया था लेबर को काम क्या कर रहे हैं। घर आए तो ये देखो हमारा बदमाश, तो स्कूल में जो कपड़े पहन के गया था वही कपड़े अभी पहने हुए हैं। और बाहर आज चकाचक बढ़िया धूप लगी हुई है। ये हमारा किचन है, सामने की खिड़की से रोशनी इतनी ज़बरदस्त आ रही है जैसे जो फोग लाइट होती है ना गाड़ी की, वैसे लग रहा है। तो दोपहर का टाइम तो हो ही गया, 2 बज चुके हैं, तो मैडम अभी दिन के लंच की तैयारी कर रही। क्या बन रहा है जी? दाल बनेगी आज। तो आज इस कुकर में बनने वाला है दाल, और ये सुबह की सब्जी थी थोड़ा सी बची हुई तो इसको इकट्ठा कर ली। तो ये हमारा बदमाशी है ना, अपने बदमाशी से बाज नहीं आता। ये क्या कर रहे हो आप जी, गंदी बात है। तो दोस्तों नया साल आने वाला है, 2023 खत्म होने वाला है, खुशियां भी हैं गम भी है। खुशियां इसलिए कि चलो नया साल आने वाला है, कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करेंगे और कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी लाइफ में, आगे कुछ अच्छा सीखेंगे। और दुख इस बात का है कि जो एक साल जिंदगी का भी कम हो चुका है, और 2023 लाइफ के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम से बाहर निकले बहुत इजी तरीके से। आपसे शेयर कर रहा था कि 2023 जो निकला मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहा, और भारी बहुत सारी तकलीफ़ें आई, बहुत सारी मुश्किलें आई, उनको पार करते हुए हमने ये जो टाइम निकला है, तो इसमें काफ़ी खुशियाँ हमें मिली, अचीवमेंट मिली। तो बहुत अच्छा एहसास, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा 2023 में रहा है। और बस कुछ दिन रह गए हैं, 10-12 दिन जो निकलने वाला है, और समय का पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे ये समय इतना जल्दी निकल रहा है। और ऐसे लग रहा है कि परसों ही तो हम छोटे थे और बड़े आज इतने बड़े हो गए, बेटा हो गया, और शादी के 4 साल पूरे हो चुके हैं और 5वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर लाइफ में खुशियां हैं तो दुख भी है, तो दोनों का एहसास बहुत ही अच्छा होता है। और दुख लाइफ में इसलिए आता है कि इंसान उससे कुछ सीखता है, वो आगे बढ़ता है, और मुश्किल हालात में कैसे उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए उनसे कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये कुछ इस तरह की है, बहुत सारी बातें बोलने के लिए, लेकिन आगे भी आप लोगों से हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारी इस वीडियो को, हमारे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और हमें ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहे। तो ये देखिए हमारा चीकू क्या कर रहा है स्कूल से आने के बाद, ये देखिए इस बॉटल से पानी को शक करता है, यानी कि स्कूल की इसकी बॉटल है और उसके बाद इस गिलास में डाल रहा है, पीता है, फिर उसी में डालता है। पता नहीं कहाँ से ये सीख गया, किसको देखा इसने ऐसा करते हुए। और ये देखिए इसके खिलौने घर में ऐसे ही फैले होते हैं, जब भी ये घर में आता है तो अव्यवस्था पूरी फैली रहती है घर की। और ये देखिए इसके खिलौने, अभी तो थोड़ी देर बाद पूरा धमाल होने वाला है घर में, हर दिन इसके खिलौनों को संभालना पड़ता है। आगे दिखाता हूँ आप, ये देखिए। तो जब तक ये बड़ा नहीं होगा, समझदार नहीं होगा थोड़ा, और तो घर में ऐसे ही व्यवस्था जो है खराब रहने वाली है, और ऐसे ही घर में हर चीज़ बिखरी रहने वाली है। जो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल हैंडसम लिटिल मैन चीकू। चीकू तो क्योंकि देखो जितने भी खिलौने लाए थे ना, सब कुछ ही तोड़ चुका है। ये प्यारा सा एक प्लास्टिक का घर लाया था और मुझे कहता था प्यारा पापा जी हमारा घर है, हमारा बहुत अच्छा घर है, और उसी को तोड़ डाला इसने। आपकी दिनचर्या आपका क्या है और क्या कर रहे हो आज आजकल?
भोजन बन रहा है। तुम लोग तो बात ही नहीं करते, ना ब्लॉग बनाते हो ना कुछ अपने लाइफ के बारे में, आगे कुछ क्या है कुछ शेयर करते नहीं, मतलब एक खाली गृहिणी बन के रह गई है, है? हाउस वाइफ। पहले अपने आप को ठीक कर लेते हैं। हाँ तो क्या ठीक कर रहे हैं आप अपने आप को बताओ, क्या हो गया आपको ऐसे जो ठीक नहीं हो रहा है? मेरे हाथ में बहुत दर्द है, पहले अपना हाथ कर। तो सबसे पहले आप ना फोन कम चलाना करो। तो मैं फोन कम ही चलाती हूँ, अगर फोन ना चला, ये टक्कू तुम चला लो, बेलन तुम चला लो, ये हमेशा तुम चला लो, फोन चलाओगे बस तुम। अब फोन कम चलाओ तो आपके हाथ को आराम मिल जाएगा, आपकी गर्दन में दिक्कत नहीं होगी और बहुत रिलैक्स मिलेगा। ये मेरा पर्सनल जो आपके लिए एक एडवाइस है, बाकी आपने मानना है ना मानना आपके ऊपर बात है। अच्छा जी, तभी कभी भी तुम्हारा फोन ना जो डाटा रहता है, खैर घर में तो वाईफाई लगा है, बाकी कभी आपका डाटा यूज करो मतलब देखो उसको तो। मेरा डाटा अभी तक पूरे 3 महीने में 2 GB खर्च हुआ है। अच्छा दिखा दो, जब घर से बाहर वाईफाई का घर से बाहर भी तो जाते होंगे ना, सबसे ज्यादा तुम्हें लोग यूज करते हैं। हाँ और ये हमारे बदमाश का ये यही चलता कार्टून पूरे दिन भर में, हम तो कुछ देख ही नहीं पाते भाई, नाम के लिए टीवी लगी हुई है घर में जिस पर इसका राज चलता है, ये हमारे बदमाश का। एक खिलौना है, कहाँ से निकला है? अच्छा चीकू को मैंने एक क्रैक्स टाइप का एक बच्चों का खाने का होता है तो उसमें एक खिलौना निकला, तो मुझे दिखा रहा है कि खिलौना निकला, तो आप फाड़िए इसको निकालो, देखो आज बन रहे यहाँ पे आलू के पराठे। ये आलू इतना किस लिए उबाला है? अच्छा ये सुबह बनेंगे, तो अभी मेरे लिए हमारे लिए बन रहा है कुछ, आपके लिए बन चुके। तो आलू के पराठे हमारे लिए बन रहे हैं, आलू के पराठे बोले थे मैंने, चीकू के लिए बन रहे हैं ये। भाई मेरे लिए भी चाहिए भाई, सुबह मिलेंगे नहीं, अभी चाहिए मुझे नहीं, रात को पराठे नहीं मिलेंगे तो भाई, नहीं भाई नहीं मिलेंगे भाई, मैं खाऊंगा ही नहीं रोटी फिर। मत खाओ। हाँ ठीक है, नहीं खा रहा मैं अभी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सीपी कनॉट प्लेस, और यहाँ पर पार्किंग की बड़ी समस्या है, बड़ी मुश्किल से अभी आपको अर्जुन हाय करियो। और ये देखिए हम सीपी में अभी पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं, और से क्या एक सेकंड यार, यहाँ तो बड़ी पीछे कोई तो नहीं है, मैं हूँ अभी मंदिर के सामने और यहाँ पर मैंने प्रसाद दे रहा हूँ, ये देखिए, और यहाँ से मैंने प्रसाद ले लिया है, ये देखिए आप, और भीड़ इतनी ज़्यादा है अभी कि लगभग एक लाइन में 500 से भी ज़्यादा लोग खड़े हैं, और ये कह रही हैं यहाँ पर कि 12 बजे तक नंबर आएगा, तो देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर ये जितने भी आपको सामने दिख रही है भीड़, ये लाइन है, और जैसे जैसे मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, कैमरा की मूवमेंट आप जहाँ तक दूर तक देख सकते हैं, ये सारी लाइन लगी हुई है और लास्ट वहाँ तक लाइन है, तो वहाँ अभी प्रियंका उसकी चाची और चीकू वहाँ खड़े हैं लाइन पर, और मैं अभी प्रसाद लेने आया हूँ, तो देखिए, और रात का भी माहौल यहाँ पर कितना अच्छा है, ये देखिए आप, ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर, और ये डेली होती है, और मंगलवार को कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है, सुबह से यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू होती है जो रात के 12 बजे तक लगती रहती है। तो ये देखिए, जो देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान संकटमोचन पवित्र बालाजी महाराज के जयकारे लग रहे हैं यहाँ पर, लोगों में इतना उत्साह बना हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं परिवार के साथ, बहुत सारे लोग आए। तो ये हमारे भगवान की महिमा है, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा है, हनुमान जी की महिमा है कि इतने लोग उनके उनसे श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। और ये देखिए बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पर आए हैं, लेडीज़ भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं, तो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर, और ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, लोग रोडों पर भी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, उसके बाद भी
यहाँ पर जगह नहीं है, अंदर पार्किंग में बिल्कुल गाड़ियाँ खचाखच भरी हुई है। अरे ये अंडर पास है यहाँ पर, यहाँ से लोग क्रॉसिंग करके रोड के उधर जा रहे हैं और इधर से आगे के लिए आ रहे हैं। ये देखिए आप, ये रात का नज़ारा है कुछ इस तरह से। प्राचीन बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, संकट मोचन पवन पुत्र जी के मंदिर का। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हमारा बेटा भी लाइन में लगा हुआ है और बड़ी बदमाशी कर रहा है। क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको रात को बाहर? लाइन पे लगे हो आप? देखिए कितने सारे लोग, देख लिया ना आप, आज कितने सारे लोग हैं। लड़ाई नहीं हो रही बेटा, जयकारा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हम लाइन आ रही है आगे से। जब ये चीकू और उसकी मासी लोग थे तो वहाँ तक थे वो, तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। और यहाँ से आगे और आगे लगातार जयकारा लग रहा है और भीड़ बहुत ज़्यादा है यार आज। ये देखिए, और चीकू, चीकू आपको कैसा लग रहा है? क्या क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्रोकोडाइल है, मोती लेजर्ड भी है। तो रात का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? आज पहली बार आए हो? बड़ी लिजर्ड है। तुम भी पहली बार आए? मैं पहले भी आया था लेकिन इस तरह से पहली बार आया आज। हम आए थे पर मासी और मैं आए थे। नहीं, 9 बजे वापस हो गए थे। हाँ, मतलब 8:30 बजे थे। 8 बजे रात को आए थे? कब? जब तुम लोग वैष्णो देवी गए थे तब आए थे। अच्छा, प्राचीन हनुमान मंदिर दिल्ली कनॉट प्लेस। ये देखिए आप, श्री राम बोले, यहाँ देखिए, बोले यहाँ देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जोर से बोलो। रास्ता छोड़ दीजिए आगे से। दर्शन करने के बाद हम बाहर आए हैं अभी, और यहाँ पर हम कचौड़ी खा रहे हैं। और कचौड़ी मैंने ही तीनों को लिया, 3 प्लेट, उसी में मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अगर अच्छा होगा तो हम आगे लेंगे। देखिए अब, तो ये देखिए कचौड़ी खा रहे भाई। हाँ जी, कैसा हो रहा ये? जबकि खाना खा के आए थे यहाँ के, कचौड़ी खा रहे आप? नहीं खा गए? मैं तो खा के आए इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही। हाँ, नेचुरल भी आनंद ले रही कचौड़ी का। अरे ये बंदर को परेशान कर रहा है, इसकी नज़र बंदर पे पड़ी है और कहीं नहीं। बंदर कहाँ है? किधर है बंदर? आपका दोस्त है ना बंदर? कहाँ है? वहाँ नहीं है। हाँ पीछे है, पीछे है। देखो को देखा को लेके जाएगा। ये बंदर, नो 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 नो। दर्शन कर लिए और दर्शन बहुत अच्छे हुए, पर बहुत लंबी लाइन थी, पर दर्शन अच्छे से हो गए सबको। और चीकू गए सो, और क्या दर्शन कैसा लगा तो बताओ क्या है। हनुमान जी के दर्शन किए और हम शादी के बाद पहली बार आज हनुमान मंदिर गए हैं। उससे पहले तो कई बार ही गए थे, पर शादी के बाद हम फर्स्ट टाइम चीकू को लेके गए हैं। और जाना बहुत टाइम से चाह रहे थे पर जा ही नहीं पा रहे थे कोई ना कोई कारण। और ये कोई इस बात नहीं हुई, इस बार हम गए तो हमें बहुत अच्छा लगा। क्या है? अच्छा, आप सॉरी बोला आपने मम्मी को? बोलो बोल 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 गलती, सॉरी बोल दे, गलती बोल, बोलो मम्मी गलती होगी, बोलो मम्मी गलती होगी, जल्दी बोल, जल्दी बोल, सॉरी मम्मा, बोल जल्दी, सॉरी सॉरी मम्मा, गलती होगी, ऐसी गलती तो तुमने 50 बार करते हो आप। गलती हो गई, गलती हो गई। आगे से छेड़ोगे सामान? छेड़ोगे आगे से सामान? कान पकड़ के सॉरी बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे।
बोलो राधे राधे, राधे राधे, लड्डू लड्डू, राधे राधे, राधे राधे, आगे से राधे राधे, बोल आगे से राधे राधे, ऐसे बोल आगे से, आगे से गंदे काम, गंदे काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, वरना वरना मम्मी मम्मी गुस्सा हो जाएगी, गुस्सा जाएगी, और अर्जुन से बात नहीं करेगी, बात नहीं करेगी, ओके ओके, समझे समझे। पुच्ची दो पहले, इधर भी दो, मेरी चोनो लड्डू है मेरा, देखा पटाने में नंबर वन है भाई, पूरी गलती करने के बाद पटा देता फटक से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, तो हमारा सोने का टाइम हो चुका है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।